поколение мужчин, выращенных женщинами, поможет ли другая женщина в решении наших проблем? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम ब्राउन इफेक्ट विद HDRCC बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका बहुत ही ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले हमने जो कलर इफेक्ट वाली वीडियो डाली थी उसके ऊपर हमारे 7K के अराउंड व्यूज़ जा चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी उतना ज़्यादा प्यार देंगे। तो बिना किसी देरी के और ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हमारे लाइट मोशन ऐप में। तो यहाँ से मैंने अपना लाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, जो आपको सेटिंग्स रखनी है वो आपको सेटिंग्स कर लेंगे दोस्तों। 9:16, 2K और 30 FPS में करके इसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और जो आपको जिस पर अपना इफेक्ट लगाना हो उसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। ये वाली वीडियो दोस्तों, इसको यहाँ से मैं इसका साउंड एक बार ऑफ कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। तो साउंड ऑफ करने के बाद सबसे पहले इसको ऐड इफेक्ट पे, सॉरी दोस्तों, वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाके यहाँ से सर्च करना है दोस्तों चैनल रीमैप। चैनल रीमैप 8GB आ जाएगा, इसको क्लिक कर देंगे स्टैंडर्ड सेटिंग पे करके। उसके बाद दोस्तों इसमें चार ऑप्शन मिलेंगे आपको RGBA। पहले वाले को R रहने देना है, दूसरे वाले को Y कर देना है और जो थर्ड वाला उसको G कर देना है। दोस्तों हमारा इफेक्ट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर इसको बंद करना है, इस पर एक और ऐड इफेक्ट करना है, यहाँ से करना है सैचुरेशन। सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस आ जाएगा, इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे करेंगे। उसको ओपन करके सैचुरेशन कर देंगे दोस्तों, अपनी वीडियो के हिसाब से थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। मैं यहाँ से 30-40 के अराउंड रख रहा हूँ दोस्तों, 50 के अराउंड कर देता हूँ। तो ये 50 में सही लग रहा है दोस्तों इफेक्ट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर जाना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल ऐड करना है। रेक्टेंगल को यहाँ से 3 डॉट पर सिलेक्ट करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे और कलर एंड फिल पर जाके यहाँ से स्काई ब्लू कलर जो हैगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर बैक आएंगे दोस्तों, बैक आने के बाद अब इसके ऊपर हम इफेक्ट लगाएंगे। तो जो पहला इफेक्ट होगा वो होगा हमारा कॉपी बैकग्राउंड। तो यहाँ से हमने सर्च कर लिया कॉपी बैकग्राउंड, इसको यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग पे करके लगा देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हम लगाएंगे दूसरा इफेक्ट, तो ऐड इफेक्ट पर जाएंगे। दूसरा इफेक्ट होगा हमारा गॉशियन ब्लर, तो यहाँ से मैंने सर्च कर लिया है गॉशियन ब्लर, इसको भी यहाँ से कर देंगे दोस्तों। इसकी जो सेटिंग्स रखेंगे वो रखेंगे 0.400 से 500 के बीच में। तो मैं यहाँ से 0.450 तक कर लेता हूँ, इसको इतना कर लिया। उसके बाद थर्ड इफेक्ट लाएंगे दोस्तों, थर्ड इफेक्ट होगा हमारा एक्सपोजर एंड गामा। तो ये हमने लगा, इसको कर लेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग पे। उसके बाद इसका जो एक्सपोजर होगा दोस्तों, उसको माइनस में करेंगे 0.60 तक कर लिया मैंने माइनस में। और जो गामा होगा दोस्तों, उसको माइनस थोड़ा कम कर देंगे, 900 के अराउंड कर देंगे। तो 950 कर लेता हूँ मैं। जो ऑफसेट होगा इसको भी माइनस में 0.02 करने के, ज़्यादा हो गया, यहाँ से ये हो गया। अब दोस्तों ये इफेक्ट अभी दिख नहीं रहा, तो इसको दिखाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आएंगे, नीचे डिफ्रेंसेंस पे आके इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट लग जाएगा। अब दोस्तों इसको थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए दोबारा प्लस वाले के आइकन पर क्लिक करेंगे, एक और रेक्टेंगल लेंगे, उसको भी फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे और फिर यहाँ से कलर एंड फिल में जाके इस कलर लेंगे वाइट। वाइट कलर लेने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके दोस्तों डार्कन वाले ऑप्शन पे जाके सॉरी दोस्तों इसके बाद आएंगे हम कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन पे जाके इसको कर देंगे ओवरले। इसको अगर ज़्यादा ब्राइटनेस लगे तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, मेरे को ये ठीक लग रही है, ऐसे हम इतना कर देंगे तो हमारा HDR इफेक्ट भी लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और इफेक्ट लगाना है इसके ऊपर, तो प्लस वाले आइकन पे जाएंगे, यहाँ से एक और शेप ऐड करेंगे, उसको फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे। फिल कंपोजिशन करने के बाद इस वाले शेप को हम अपनी वीडियो के एंड तक लेके जाएंगे दोस्तों। ये हमारी एंड तक आ गई। अब इसके ऊपर दो इफेक्ट हमें ऐड करने हैं। पहला तो होगा हमारा कॉपी बैकग्राउंड, तो ये कॉपी बैकग्राउंड हमने लगा दिया दोस्तों, इससे हमारा ये विजिबल हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट होगा हमारा इसके ऊपर सिंपल स्टार फील्ड, तो ये सिंपल स्टार फील्ड है दोस्तों, इसको यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग पे कर देंगे। उसके बाद इसको ओपन करेंगे, फर्स्ट की स्टार्टिंग में लगानी है, फिर इसके एंड में एक की लगानी है और दोस्तों इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर देना है। इसको दोस्तों 1000 के अराउंड ड्रॉप कर लेना एक्स वाले वाई इसको, तो यहाँ से 1000 में कर देता हूँ। तो ये बस हो गया 1000। तो इससे हमारे जो वीडियो में उसमें स्टार्स आ जाएंगे दोस्तों,
तो अभी मैं इन जो हमारे दो रेक्टेंगल्स रह गए इनको भी यहाँ से सिलेक्ट करके इनको भी यहाँ से अपनी पूरी वीडियो के एंड तक कर लेता हूँ। तो ये हमारा 4K इफेक्ट देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा प्यारी हमारी वीडियो बन चुकी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों इस फाइल का जो XML फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।